ओम शांति। ये जीवन एक सुंदर खेल है, ये लंबी यात्रा भी है, और ये यात्रा अब कलयुग के अंत में भी चल रही है, जहां अनेक उतार चढ़ाव हैं, जहां चारों ओर गंदगी है, निगेटिविटी है, परंतु हम तो मास्टर क्रिएटर हैं, हम तो विश्व को बदलने वाले हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे चारों ओर क्या है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हमें करना क्या है। जीवन के इस खेल में हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति सभी होते हैं और सभी होंगे भी। हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ये सब न हो। जीवन की यात्रा का यही सत्य है कि कभी अच्छा और कभी बुरा ये सब होता रहेगा, परंतु जिनको श्रेष्ठ योगी बनना है उन्हें याद रखना चाहिए, सरल चित्त आत्मा ही सरल योगी बन सकती है। बाबा के बहुत पुराने ये महावाक्य हैं जो सरल हैं, उनकी बीमारियां भी सरल हो जाएंगी, जो सरल हैं उनकी समस्याएं भी सरल हो जाएंगी, जो सरल हैं उनके संस्कार भी सरल हो जाएंगे, योग भी सरल और संपर्क संबंध में आने वाली आत्माएं भी सरल हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मिलने के लिए लोग डरते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते। हमें इतना सरल चित्त बनना है कि सहज भाव से लोग हमसे मिल सकें। सरलता माना इजीनेस, सहजता, सहज भाव से रहना, सहज भाव से कर्म करना, सहज भाव से समस्याओं की तरफ देखना, तब हम सहज योगी बन सकेंगे। जो आत्माएं सरल चित्त हैं उनके कुछ लक्षण दिखाई देंगे, वो अपनी बात पर अड़े नहीं रहेंगे, जिद में नहीं रहेंगे, बल्कि वे मोल्डिंग नेचर वाले होंगे। जब जैसी आवश्यकता हुई सहज ही स्वयं को मोल्ड कर लेंगे, और जो स्वयं को मोल्ड कर लेता है वह मनुष्य अपना रास्ता सहज ही निकाल लेता है। जो मोल्ड नहीं करता, जो सीधा चलना चाहता है, जो अकड़ कर चलना चाहता है, उसका मार्ग भी क्लिष्ट हो जाता है। इसलिए मोल्डिंग नेचर, देखो जो मुड़ता है बड़ी चीज भी हो मुड़ के छोटी हो जाती है, जो झुकता है कहीं भी आराम से पार हो जाता है, जो झुकता है उसके आनंद रहता है, उसे बहुत खुशी रहती है और वो हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लेता है। जो नहीं झुकता वो परिस्थितियों को बदलने की इंतजार करता है, परंतु हमें स्वयं की स्थिति से परिस्थितियों को बदलना है, न कि परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्थिति को ढाल लेना है। तो हम बहुत सरल चित्त बने। और दूसरी बात इस सरलता की है स्वीकार करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट धारणा है मनुष्य जीवन की। बहुत कुछ ऐसा होता है और होता रहेगा जिसे बदला नहीं जा सकता, हम उसे सहज भाव से स्वीकार करके आगे बढ़ें, एक मार्ग खोज लें। मान लो कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसके लिए कह दिया गया कि ये ठीक होने वाली नहीं है, तो हम परेशान ना हो, इसे स्वीकार करें और ऐसा अच्छा अभ्यास करें कि लाइलाज बीमारियों का भी इलाज हो जाए। तो आज सारा दिन हम सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा से दृष्टि लेंगे, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमकती हुई महाज्योति पर अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे और पाप से दृष्टि लेकर सारे संसार को दृष्टि देंगे, ताकि सारे संसार में लाइट फैले, सारे संसार
का अंधकार दूर हो जाए, सभी को मार्ग मिले, सभी दुखों से मुक्त हों। तो आज सारा दिन सरल चित्त रहकर ऐसे सुंदर अभ्यास करते रहेंगे। ओम शांति।